दोस्तों, आज हम बताएंगे किर्लोस्कर इंजन के बारे में। ये किर्लोस्कर इंजन 4R1040 है, 4 सिलेंडर वाटर कूल इंजन। हम इसका टाइमिंग कैसे सेट करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो पर लेकर चलते हैं आपको। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये क्रैंक का दे रहे ना, और ये इसका टाइमिंग गियर है, आइडल गियर। आइडल गियर है ये, पंप का है और ये कैम वाला। ये ऐसा कैसा निकल गया सर? 3 बोल्ट पे टाइट रहता है, यहाँ ये बचता ना सीट रहता है, वो है डबल सीट के ऊपर गियर घूमता है, सीट है सीट पूरा। नहीं, ये होल काय के लिए? ये बोल्ट बचता है सर, 3 बोल्ट टाइट होता है वो गियर। हाँ, तो उसपे तो अच्छा अभी खोले तो वही है ना। हाँ, अब चल इसको घुमाओ। ये ऐसे तिरछा कैसा हो गया? वाइजर ऐसे ट्रिपल वाइजर चलता है ना। अरे ये भी तो गियर खराब है यार, वो तो खराब है ना आइडल के। पाना से घुमा पकड़। ये पंप टाइमिंग लॉक पट्टी है, पंप लॉक करके दिया जाता है। पलटा क्या है? हाँ, ये यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये गलत हो नहीं ना? सुनो, बस ये यहाँ पे आ गया। ये कौन सा है? कैम वाला है ना, कैम वाला है और ये पंप वाला है। तो पंप का तो कैसा होगा? ये मार्किंग यहाँ, ये मार्किंग आने के बाद में यहाँ से जो है ये लॉक होना चाहिए पंप, है ना? लॉक होना चाहिए। हम्म, और एक नंबर क्रैंक करके लॉक करना पड़ेगा। एक मिनट, क्रैंक बराबर डाउल पे आ रही है। अच्छा, ये है, ये जो मेन है कि क्रैंक का मार्क यहाँ रहा होगा, है ना? ये अभी मिट गया, ये खराब हो गया इसके वजह से। ऐसे धाके पे होगा ना, मिट गया ना। ये मेन हो गया, ये हो गया करना कैम का, और ये हो गया पंप का। ये आइडल गियर हो गया ना, आइडल गियर, क्रैंक गियर, कैम गियर और पंप का गियर। चल ठीक है।